इंडियंस को अगर वो यहाँ पे आके शादी कर लेते हैं तो उन्हें फिलीपीन का पासपोर्ट मिल जाता है। हाँ, तो ये देख रहे हो, ये है 5-5 cents, ठीक है। ये जैसे ये 5 पैसों है, ठीक है, ये 10 पैसों है, ये 1-1 पैसों है, और ये 25 cents है, मतलब सेंटावोस शायद बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटावोस कुछ ऐसा है इसे कहते हैं, मतलब इस ऐसे चार, मतलब ऐसे चार कॉइन्स को मिला के 1 पैसों बनता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम प्योर गोल्ड में यहाँ पे जाते हैं, जहाँ मॉल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और उसके बाद ये ऐसे सेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा वापस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा हो गए थे, आज हमने इनको सेटिंग किया इस तरह से और टेप में, क्योंकि हमें किसी ने बताया कि ये प्योर गोल्ड में आप कहीं पर भी दे दो, ये ले लेते हैं, ये सारे मतलब चलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको सेटिंग किया, ये 100 पैसों बन गया है, ठीक है, जे जो 25-25 वाले जो सेंट्स हैं वो, ठीक है। ये कैथरीन क्या करती थी, एक बॉक्स था उसमें ऐसे ही डालती रहती थी, कभी भी हमने मतलब ध्यान नहीं दिया। ये 100 सेंट्स बन गया, और जो बाकी चेंज है जो 1-1 पैसों 2-2 पैसों, तो वो अलग से हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने हो गए हैं, ये इस तरह से हमने बनाया है, ये 5 का 1 बंडल है, 5 पैसों है इसमें, ठीक है। और बाकी ये जो 5 पैसों 10 पैसों ऐसे एक साइड में पड़े रहते हैं ना, तो जब भी सारे इकट्ठे हुए तो मतलब काफ़ी पैसे ये बन गए हैं। तो इसे मैं कोशिश करूंगा प्योर गोल्ड में चलाने की। सत श्रीकाल, नमस्कार, सलाम वालेकुम, मेरा नाम भूपी गरेवा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो पहले मिलिए एकन से। हाँ, वेरी गुड कैथरीन। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय अगेन, हाय ओनली, हाय सत श्रीकाल। वेरी गुड, तो कितना हाल। चलो, तो बाकी ये सारा कुछ अभी समेटते हैं, एक साइड में रख देते हैं, ठीक है, बाकी की बातें कंटिन्यू रखेंगे। वेरी गुड। हाँ, तो एकन बाहर बच्चों की आवाजें सुन ली और कह रही है कि मैं, मुझे बाहर जाना है, मेरे को चप्पलें दो, तो अपनी चप्पलें पहनी है, अभी बाहर जा रही है, ठीक है। और अभी अभी मैं सो के उठाऊँ, और अभी मैं आप लोगों को एक अजीब सी बात, मतलब एक अजीब सा सपना मुझे आया। कल रात क्या हुआ, कैथरीन मतलब अपनी फेसबुक चला रही थी, ठीक है, तो उस फेसबुक में जब भी वो स्क्रॉल कर रही थी, तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ फिलिपिना लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, ठीक है, अपने यहाँ से, क्या फरव्यू, शायद फरव्यू एरिया लिखा था, या फेरव्यू था, या कुबाओ से फेरव्यू, किसी रोड के ऊपर से लड़कियों को किडनैप कर लिया गया, ठीक है। तो वो न्यूज़ सुनी, ठीक है, उसके बाद सो गए, ठीक है। और सपने में क्या हुआ कि मैं ऐसे, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से कहीं किसी रोड के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और एक गैंग आया, उन्होंने मेरे को वो जो फिल्मों में जैसी बैन लेके आते हैं ना किडनैप करने के लिए, तो वैसी एक बैन आई, ठीक है, मुझे किडनैप करके वो ले गए साथ में। तो मतलब जो यहाँ पे मैंने, हम बातें कर रहे हैं ना, वो ही मेरे साथ सपने में हो गया। तो बड़ा अजीब सा सपना था यार, तो बड़ा अजीब सा सपना था, ठीक है। और उठने के बाद मैं कैथरीन को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ, बहुत हंसी बोली कि क्या, कल रात हम यही डिस्कस कर रहे थे, वो ही तुम्हारे साथ सपने में हो गया। मैं बोला हाँ, वो ही हो गया। चलो भाई, अभी के लिए क्या है कि मैं थोड़ा चाय वाय बनाता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैथरीन चली गई है अपने काम पे, और वैसे तो वो बना के रखी गई है, ये अंडे हैं कुछ उबले हुए, मैगी है, चलो जो भी है खाने के लिए सारा कुछ है, बस चाय बनानी है। हाँ, तो अभी मैं चाय बनाने ही लगा था, तो इतने में ये कुरियर सर्विस वाले आ गए, और फाइनली एकन का पासपोर्ट जो है वो बन गया है, आ गया है, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आ गया है। लेकिन ये 4-5 दिन लेट है, मतलब पासपोर्ट जो है ना, जब भी हम अप्लाई करते हैं तो 12 दिन में यहाँ पे बन जाता है, और 2-3 दिन लेते हैं जो डिलीवरी करके जाते हैं घर में, पहुँचाते हैं LBC वाले, तो 15 दिन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट शायद 20 दिन हो गए हैं, ठीक है। पता नहीं कितनी तारीख को मैंने उस दिन ब्लॉग बनाया था, उस दिन से लेके अभी तक शायद 20 दिन हो चुके हैं, तो 4-5 दिन मतलब लेट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, हो जाता है।
तो फाइनली पासपोर्ट बन गया है। और दो बातें और आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, जब भी हम बच्चों का पासपोर्ट बनाते हैं या एडल्ट भी, सभी के लिए आई थिंक जो फीस है वो 1000 ही है सभी के लिए, 1000 में मतलब पासपोर्ट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। हो सकता है कि जो बड़ों की फ़ीस कुछ 100-150 ज़्यादा हो, पता नहीं मुझे, लेकिन ये 950 में अप्लाई हुआ था। दूसरी बात, बच्चों का जो पासपोर्ट होता है वो 6 साल का बनता है, तो ये 2026 तक वैलिड रहेगा। तो बस अभी नेक्स्ट जो प्लान है वो है अपना OCI का, वो तो मैं बनवा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इसकी जो डेट वाला सिस्टम था ना वो थोड़ा परेशान हमें कर रहा था, चलो कंप्लीट हो गया है सारा कुछ, ये रहा पासपोर्ट। तो चलिए अभी चाय बनाता हूँ और चाय पीता हूँ। हाँ, तो एकन के पासपोर्ट का काम तो हो गया है कंप्लीट, आपने देखा कि एकन का पासपोर्ट आ गया है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट प्लान है वो है कैथरीन का पासपोर्ट, मुझे कैथरीन का पासपोर्ट भी बनवाना है, तो उसकी मतलब ऑनलाइन डेट वगैरह लेनी है अभी, तो वो या तो मैं आज ले लूँगा ऑनलाइन या कल ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब हो सकता है अगले हफ्ते की अपने को तारीख मिल जाए, या 8-10 दिन में मतलब तारीख मिल ही जाती है ऑलमोस्ट, जो ये जो न्यू वेबसाइट उन्होंने मुझे दी थी उस अकॉर्डिंग। लेकिन जो पहले वेबसाइट मुझे दी थी ना उन्होंने, उस हिसाब से तो 4-4 महीने डेट ही नहीं मिल रही थी। तो फिर से मैं वहाँ पे गया था पासपोर्ट ऑफिस में, उनसे पूछा सारा कुछ, फिर उन्होंने मुझे एक न्यू एक वेबसाइट दी थी जिसके अकॉर्डिंग थोड़ी 10 दिन में या 12 दिन में डेट जो है मिल गई थी, एकन का पासपोर्ट बन गया है। अभी कैथरीन के पासपोर्ट की बारी है, तो देखते हैं कितने दिन में अप्लाई हो जाता है। एक बार अप्लाई हो गया फिर तो समझ लो आ ही जाएगा, तो बस अप्लाई करने तक का देखते हैं कितने दिन लगते हैं अपने को। तो आज मैं अभी बैठूंगा ऑनलाइन, देखते हैं अपना जो उनको भेजना पड़ता है ना, वो अपनी जो ID वगैरह की फ़ोटो कॉपी सारा कुछ उनको भेजना पड़ता है, फिर वो अपने को एक तारीख देते हैं। तो चलो वो मैं आज करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि किस दिन की अपने को तारीख मिली है और किस दिन अपने को जाना है कैथरीन का पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो एकन बिजी है TV देखने में, और आज का ब्लॉग मैं मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला, बस छोटा सा ही आज का ब्लॉग, ठीक है। तो हमारा साथ जो रूम शेयर करते हैं वो बर्गर लेके आया, मुझे बोल रहा है कि बर्गर लेके आया हूँ तो खा लो आके, मैं बोला ओके। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं मैं यार आज करने वाला, ठीक है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर फिलीपीन में जाके हम शादी कर लेते हैं या किसी तरह का वीज़ा ले लेते हैं तो हमें फिलीपीन का पासपोर्ट मिल जाता है, मतलब इंडियंस को अगर वो यहाँ पे आके शादी कर लेते हैं तो उन्हें फिलीपीन का पासपोर्ट मिल जाता है, ऐसा लगता है लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें फिलीपीन का पासपोर्ट नहीं मिलता, हमें वीज़ा ही मिलता है। लेकिन वीज़ा में भी काफ़ी सारी कैटेगरी है कि आपको किस तरह का वीज़ा आप ले रहे हो, मतलब शादी के बेस पे ले रहे हो, उसके अलावा बहुत कंपनी स्टाइल में वीज़ा ले रहे हो, या और भी परमानेंट वीज़ा ले रहे हो, या किस तरह का वीज़ा ले रहे हो, ठीक है। तो वीज़ा ही हमें मिलता है, पासपोर्ट हमें नहीं मिलता, चाहे शादी कर लो या कुछ भी जुगाड़ कर लो तो पासपोर्ट हमारा नहीं बनता। क्योंकि यहाँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिलीपीन में हमारा एक इंडियन ने मुझे मैसेज किया था, उसने शादी की, उसका जो TRB वीज़ा है, ठीक है, उसे वो मिल गया। तो उसके दिल में ये वहम है कि आने वाले टाइम में जब भी मैं थोड़ा और ठीक हो जाऊंगा या मेरी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिलीपीन मुझे पासपोर्ट दे देगा फिलीपीन का। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है जिसके बेस पे हमें पासपोर्ट मिल जाएगा फिलीपीन का। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा है, मुझे किसी ने गाइड किया कि हमें फिलीपिनो पासपोर्ट जो है वो मिल जाता है, 1-2 साल लगते हैं उसने मतलब ऐसा कहा मुझे। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मतलब आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने फिलीपिनो पासपोर्ट लिया हो। मैं पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मतलब 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी फिलीपिनो पासपोर्ट नहीं मिलता, तो हो सकता है किसी के मन में ये डाउट हो सकता है क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ नहीं है मतलब। तो बाकी यार बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग जैसा भी था अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।